नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार ऑन न्यूज। मैं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। डेहरी डालमियानगर के मुख्य पार्षद के नेतृत्व में आज सभी 39 पार्षदों का डेलीगेशन एसपी से मिलकर पार्षद पुत्र आकाश कुमार को चाकू मारने वाला अपराधी पर कार्रवाई की मांग की गई। दरअसल पार्षदों के डेलीगेशन ने रोहतास एसपी से मिलकर हमलवार को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। हालांकि रोहतास एसपी विनीत कुमार के किसी कार्यवश न रहने के कारण पार्षदों ने डेलीगेशन ने मुख्य पार्षद एसपी राजेश कुमार को आवेदन सौंपा। हमला हुआ था कल, उसे लेकर आज आप लोग आई हैं, क्या हुआ वहां पर? हम यहां हैं, डीएसपी सर से मिले, उसने आश्वासन दिए कि जो फरार है हमला करके उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनको सजा दिया। ठीक है, क्या नाम? मुख्य पार्षद शशि कुमारी ने बताया कि डालमियानगर वार्ड नंबर 9 की महिला पार्षद धर्मशीला देवी के पुत्र आकाश कुमार पर चाकू से हमलावरों ने हमला कर जख्मी कर दिया था। उनका इलाज निजी क्लिनिक में चल रहा है। इसी में डिहरी डालमियानगर के सभी वार्ड पार्षदों ने निर्णय लिया कि रोहतास एसपी से मिलकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जाए। इसी के तहत वह आज सभी लोग एसपी कार्यालय पहुँचे। उन्होंने बताया कि पुत्र के माध्यम से दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। वही मामले में वरीय अधिकारी के द्वारा जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया। नमस्कार। बात हुई है, हम लोगों ने मुख्य पार्षद के नेतृत्व में सभी पार्षदगण आज एसपी साहब से मिलने आए थे। एसपी साहब मुख्यालय में नहीं है, ऑफिस में। उनके द्वारा आदेश पर मुख्यालय डीएसपी साहब ने हम लोगों का आवेदन भी लिया और हम लोगों को आश्वासन दिया। सिर्फ एक घटना नहीं, आकाश कुमार के साथ जो घटना हुई उसके साथ नहीं, अमन कुमार शर्मा के साथ भी, एक 34 नंबर वार्ड पार्षद उसके साथ घटना हुई। दोनों पार्षद प्रतिनिधि आकाश कुमार पर कल जानलेवा हमला हुआ था उनके घर पर ही। कुछ अपराधी लोग जान से मारने की सोचकर, लेकिन ये ऊपर वाले के कृपा है कि बाल बाल बच गए हैं। और वही हम लोग सभी पार्षद एसपी पास मिलने आए थे, लेकिन एसपी सर नहीं थे। उनके नेतृत्व में मुख्यालय डीएसपी से आवेदन दिया गया है और थाना में भी एफआईआर का गुजारिश के लिए आवेदन दिया गया था। तो एफआईआर संतुष्ट किया गया कि एफआईआर हो गया है, लेकिन उसके बाद भी सभी पार्षद हम लोग यही गुजारिश किए कि आने वाले दिन में हम सभी पार्षद सेफ रहें, अच्छा से रहें। लेकिन हम लोगों को आश्वासन मिला कि सब चीज़ ठीक है।